ठीक है, HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ और HTML P टैग इज यूज टू डिफाइन ए पैराग्राफ इन ए वेब पेज। ठीक है, अगर हमें कोई भी एक पैराग्राफ डिफाइन करना है हमारे वेब पेज के लिए तो हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे हमने 4 लाइन का एक कोई भी टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, हमने लगातार उसको लिखा हुआ है। ठीक है, कोई न्यू लाइन नहीं है उसमें, कोई लाइन चेंज नहीं हुआ है, मतलब हम लोग इसको एक पैराग्राफ बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी ऐसा एक पैराग्राफ डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अगर पी टैग के अंदर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं तो HTML में उसको पैराग्राफ कहा जाता है। ठीक है, लेट्स टेक ए एग्जाम्पल टू सी हाउ इट्स वर्क। इट इज ए नोटेबल पॉइंट दैट ब्राउजर इटसेल्फ एड एन एम्प्टी लाइन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। ठीक है, अगर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ बनाया है ये, ठीक है, हमने 4 लाइन उसमें लिख दिया, पैराग्राफ चेंज किया और उसके बाद कोई दूसरा टेक्स्ट हमने लिखा, इसको भी पी टैग के अंदर में हमने लिखा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक एम्प्टी स्पेस ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो स्पेस है, ठीक है, बिफोर पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ के पहले और आफ्टर द पैराग्राफ पैराग्राफ के बाद में। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाता है। ब्लैंक लाइन ऐड होने से क्या होगा, तो पैराग्राफ जो है वो एक सेपरेट सेपरेट सेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो दोनों वो डिवाइड में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस पैराग्राफ पी टैग को बॉडी के अंदर में अप्लाई करेंगे, मतलब बॉडी टैग है उसके अंदर में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी हम लोग का कंटेंट रहेगा। ठीक है, अगर कंटेंट में हम लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम लोग जनरली इस पी टैग के अंदर में लिखते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिखा, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, दोनों को मैंने पी टैग के अंदर डाला है, ये पी का स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। ठीक है, क्लोजिंग टैग। ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी मैं टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने लाइन नंबर 2 में क्या लिखा है, पी दिस इज सेकेंड पैराग्राफ और पी को मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है थर्ड पैराग्राफ, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ और पी को क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ 3 पैराग्राफ बनाया। ठीक है, 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है। जब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ और तीनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक लाइन का स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस डिपेंड करेगा इस फॉन्ट के साइज पे, जो भी फॉन्ट का साइज हम लोग बेस फॉन्ट मान के चल रहे हैं इस वेब पेज में, उसके हिसाब से ही यहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी फॉन्ट का साइज होगा, मान के चलो हम लोग को यहाँ पे जो साइज है वो 12 मिल रहा है। ठीक है, या फिर मान के चलो 10.5 यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ तो +1 और यहाँ पे +1, मतलब ऊपर +1 नीचे +1। ठीक है, मतलब हम लोग को 1 mm का ऊपर स्पेस मिलेगा और 1 mm का नीचे स्पेस मिलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को स्पेस मिलेगा अगर साइज है 11 तो 13 का स्पेस हम लोग को मिलेगा, मतलब ये जो गैप हम लोग को मिल रहा है जो फॉन्ट साइज है वो 13 का हम लोग को स्पेस मिलेगा 2 पैराग्राफ के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अगर पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं तो 2 पैराग्राफ के बीच में जो हमारा ब्राउजर है बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ऐड कर देता है, जिससे हम लोग को पता चले कि अलग अलग पैराग्राफ हमने डिफाइन किया है वहां पे। अगर हम लोग पैराग्राफ टैग नहीं लिखते हैं तो भी हमारा टेक्स्ट शो होगा, तो भी हमारा टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, टेक्स्ट शो होगा लेकिन वो सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ में नहीं है, वो नॉर्मल फ्लो में वो दिखते जाएगा। ठीक है, स्पेस इनसाइड HTML पैराग्राफ। अगर हम लोग पैराग्राफ के टैग पैराग्राफ टैग के अंदर में हम लोग अगर स्पेस ऐड कर देते हैं, मतलब स्पेस मतलब जो स्पेस बार से हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वो उसको अप्लाई करता है या नहीं करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने पैराग्राफ टैग को लगाया, मतलब ओपन किया। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ट्यूटोरियल ऑन एच टी एम एल एंड होप दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये मैंने चार पांच लाइन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और सभी के सभी अलग अलग लाइन में, ठीक है, मतलब लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये मेरा एक पैराग्राफ है, मतलब पैराग्राफ टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग जो है, यहाँ पे एक न्यू लाइन हमने दिया है, यहाँ भी न्यू लाइन दिया है, यहाँ भी न्यू लाइन दिया है, यहाँ भी न्यू लाइन और यहाँ भी न्यू लाइन, ठीक है। अब ये न्यू लाइन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट पैराग्राफ की बात, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट किया लाइन नंबर 8 में, यहाँ पे मैंने दिया लुक आई पुट हियर लॉट ऑफ स्पेसेस, स्पेस के बाद इतना सारा मैंने एक ब्लैंक स्पेस दिया, बट फिर उसके बाद एक स्पेस और मैंने दे दिया, आई नो ब्राउजर विल इग्नोर इट, हमें पता है कि ब्राउजर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पी टैग के अंदर में कितने भी स्पेसेस दे देते हैं, कितने भी हम लोग एंटर एंटर मार के न्यू न्यू लाइन में दे देंगे, लेकिन हर चीज को वो इग्नोर करेगा, ठीक है, हर चीज को वो इग्नोर करेगा, और इग्नोर करने के बाद वो क्या करेगा, सबको एक ही लाइन में वो लिख के दे देगा, ठीक है। उसके बीच में कितने भी स्पेसेस ऐड कर लो, वो स्पेस को नहीं मानेगा, वो सिर्फ एक ही स्पेस को मानता है। अगर हम लोग 10-12 स्पेस दे देंगे अगर गलती से भी, तो भी वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कितने भी स्पेसेस दे दें, एंटर मार के हम लोग न्यू लाइन में दे दें, लेकिन वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही उस टेक्स्ट को अरेंज करेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि जो भी हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें अगर बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, बहुत सारे एंटर मार के हम लोग न्यू लाइन पे ले आए, तो वो सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो हम लोग एच टी एम एल पैराग्राफ के अंदर मन चाहे स्पेस नहीं दे सकते, सिंगल स्पेस हम लोग दे सकते हैं ताकि हम लोग दो वर्ड को सेपरेट कर सकें, बस इतना ही स्पेस अलाउड होता है, अगर इससे ज्यादा होता है तो वो इग्नोर कर देता है, इससे ज्यादा होता है तो इग्नोर कर देगा, ठीक है। हाउ टू यूज बी आर एंड एच आर टैग विथ पैराग्राफ, ठीक है, बी आर टैग और एच आर टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एच टी एम एल बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक है, एच टी एम एल में बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक है। बी आर टैग इज यूज फॉर लाइन ब्रेक एंड इट कैन बी यूज विथ पैराग्राफ एलिमेंट्स, ठीक है। बी आर हम लोग क्यों यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, जहां पे भी हम लोग को लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लगा देते हैं बी आर टैग। लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने बी आर टैग का यूज किया था और अलग अलग लाइन में सारे टेक्स्ट को हम लोग ने डिस्प्ले किया था, तो वैसे ही हम लोग जहां पे चाहते हैं बी आर टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे एच टू यूज किया है, ठीक है, बॉडी के अंदर में, ठीक है, एच टू यूज किया मतलब हेडिंग टू, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ लाइन ब्रेक विथ पैराग्राफ टैग, ठीक है, और यहाँ क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बाद लगा दिया बी आर, ठीक है। बी आर मतलब क्या होगा, जैसे ही ये पापा एंड मामा जो लिखा हुआ है इसके पहले वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा, ठीक है, एंड बेबी एंड डॉट, ठीक है, इस प्रकार से वो जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये मतलब यहाँ पे चालू होना चाहिए था, वो नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आया और डॉट के बाद एक और ब्रेक हम लोग ने लगाया है, ठीक है, डॉट के बाद यहाँ पे लिखा है बी आर, मतलब ये वीली से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वीली से नेक्स्ट लाइन पे आ गया, वीली एंड मी द होल ऑफ द लॉट, लॉट के बाद फिर ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है, लॉट के बाद फिर ब्रेक है, मतलब वो ऑफ अस ऑल वेंट, ये कहाँ पे आएगा, नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लाई के तक बाद में क्या है, एक और ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये लाइन भी कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, जहां जहां पे हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं वहां वहां पे लाइन को ब्रेक कर रहे थे, लाइन को ब्रेक कर रहा है और जो भी टेक्स्ट है इसके बाद वो न्यू लाइन पे आएगा, ठीक है, मतलब कायदे से अगर हम लोग ने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया होता, ठीक है, तो ये टू से इसके आगे में ही यहाँ डिस्प्ले होता, लेकिन हमने ब्रेक लगाया, इसका मतलब क्या है, वो न्यू लाइन पे आ जाएगा।
ठीक है, ये था ब्रेक, लाइन ब्रेक हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड HTML HR टैग इज यूज टू अप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और टू पैराग्राफ, ठीक है। देखिए, जहां पे भी हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जैसे हम लोग पेंसिल से या फिर पेन से हम लोग दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन खींच देते हैं पेपर में, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उस केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, HR टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी टैग लगाया, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे H2 में मैंने एक हेडिंग लिख दिया, एग्जाम्पल टू शो ए हॉरिजॉन्टल लाइन विथ पैराग्राफ्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया है, एंड HTML HR ड्रॉ टू, ये मैंने एक लाइन लिख दिया, ठीक है। और बीच में यहाँ पे HR मैंने लगा दिया, HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोल, ठीक, हॉरिजॉन्टल रोल। तो यहाँ एट लाइन के बाद एक लाइन खींचा जाएगा, तो हम लोग आउटपुट में इसका देख सकते हैं, ठीक है। एंड HTML HR टैग ये वाला लाइन शो हुआ, और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल करके एक लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। वर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल रूल इसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। और ये HR टैग से वो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी हम लोग को लाइन खींचना है वहां पे HR टैग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार हम लोग लगाना चाहे लगा सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ टैग के अंदर में ही लगाना है, हम लोग पैराग्राफ टैग के बाहर भी इसको लगा सकते हैं। तो जहां पे हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है, वहां वहां हम लोग HR टैग को लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब भी पैराग्राफ एक एंड करते हैं या फिर ओपन करते हैं, तो उसके पहले हम लोग या फिर बाद में हम लोग एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो, तो दो पैराग्राफ सेपरेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे HR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। पैरा ग्राफ टैग डॉट HTML, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा HTML टैग है, ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, ठीक है, और हमने लिखा बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम लोग लगाएंगे पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस पैराग्राफ टैग का लगाने का क्या है, कि हम लोग सबसे पहले इसको पी को ओपन कर लेंगे और पी को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। पी को ओपन किए और पी को क्लोज कर दिए, फिर उसके बाद इसके बीच में हम लोग कर्सर लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो भी चीज हम लोग को लिखना है लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक नोट से एक मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, HTML पैराग्राफ वाला, इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, देख सकते हैं पर्पल कलर में हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया एक पैराग्राफ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव किया मैंने, और हम लोग चले जाते हैं डी ड्राइव में, जहाँ पे मैंने इसको बनाया है पैराग्राफ टैग, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। मैं इसके बीच में कितनी भी स्पेसेस देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ स्पेस दे दिया बीच बीच में, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया खूब सारे, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट इसका नहीं हुआ है, मतलब इसमें मल्टीपल लाइंस भी अगर हम लोग दे दें, ठीक है, कितने बार भी हम लोग इसको एंटर एंटर करके नीचे ले आए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग जितने भी स्पेस देंगे, सिंगल स्पेस है तो ओके है, क्योंकि हर वर्ड के बाद एक स्पेस होता है, तो सिंगल स्पेस तक एक्सेप्ट करता है, अगर मल्टीपल स्पेसेस होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उस चीज को वो इग्नोर कर देगा, और जो हमारा पैराग्राफ है उसको एज इट इज शो करेगा, ठीक है। ये हुआ, फिर उसके बाद अगर हम लोग को न्यू लाइन में लेना है, मतलब अभी यहाँ पे जो हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, ये आउटपुट जो है
वो कंटिन्यूस फॉर्म में, जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो लगातार लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी न्यू लाइन इसमें नहीं है, ठीक है, वो ब्राउजर छोटा हो गया है इसी कारण वो न्यू लाइन में दिख रहा है। एक्चुअल में ये फुल लेंथ में अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग को एक ही लाइन में वो दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि मान के चलो कि लेट्स टेक से, ठीक है, हम लोग को न्यू लाइन में चाहिए, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, मतलब लेट्स टेक कहाँ पे आना चाहिए, न्यू लाइन में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसको, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेट्स टेक, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी आर, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा, सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो लेट्स टेक है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। और अगर इसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा लेट्स टेक आ रहा था वो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जहां मर्जी चाहे हम लोग लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, इट इज नोटेबल पॉइंट्स से ये वाला लाइन अलग कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद एन एच टी एम एल से ये लाइन भी मैंने अलग कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इट इज नोटेबल में यहाँ पे मैंने एक लगा दिया बी आर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दिया एक और बी आर, ठीक है, दोनों में बी आर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और आके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो हम लोग देख सकते हैं एच टी एम एल ये वाला एक लाइन हो गया, ये वाला एक लाइन हो गया, ये वाला एक लाइन हो गया, और ये वाला एक लाइन हो गया, ठीक है। तो हमने कितना बी आर अप्लाई किया, एक दो तीन लाइन, एक बार यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग को जब भी लाइन ब्रेक करना है तो हम लोग कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन के बाद एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एच आर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एच आर, तो हर लाइन के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच आर, ठीक है, तो एक एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल इसको हम लोग बोलते हैं एच आर को, ठीक है, एच आर का फॉर्मूला मतलब फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एच आर लिखने से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग एच आर लिखेंगे, अगर लाइन को ब्रेक करना है तो हम लोग बी आर लिखेंगे, और कोई भी अगर पैराग्राफ हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग टैग यूज करते हैं पी, पी टैग हम लोग यूज करते हैं।